मैं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको साइंस के आज बहुत ही VVI क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो दोस्तों जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो दोस्तों लेंस के फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में f बराबर r/2 संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? दोस्तों यहाँ अधिक होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो लमसम 90% ऑन बोर्ड में तय है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आप। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर प्रिज्म के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता जो है चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6×10^6 होता है एक यूनिट ऊर्जा का मान। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें दिया गया विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, चुम्बकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती है, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्राय विद्युतमय होता है। तो हरे वाला जो होता है वो विद्युतमय नहीं होता है, तो इसका सही मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई मतलब सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों अगला प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों दिशा जो होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, यानी नाभिकीय ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो दोस्तों कैथोड पर जो है जैसे हाइड्रोजन हो जाता है कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो दोस्तों इसका एक ट्रिक भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अनिल इसका एक ट्रिक होता है, तो इस पर आप कभी नहीं भूलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जान लीजिए। जैसे अम्ल है जो मतलब नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है? तो दोस्तों इसका जो पीएच होता है ऑप्शन नंबर डी 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो अधातु जो है ब्रोमीन जो है एक अधातु ऐसा है जो चमकीला होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा Na यानी सोडियम। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।